हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर से केक बनाते हैं, जो कि ये वाला 1.5 केजी का केक है। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर रहेगा। और एक चीज़, ये वाला स्पंज जो मेरा है, ठीक है, ये अंडा वाला है, तो अंडा वाला चॉकलेट स्पंज हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। जो फुल ब्लैक रहता है वो प्रीमिक्स वाला रहता है, तो प्रीमिक्स वाला हम लोग एगलेस के लिए यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल चॉकलेट है, तो कस्टमर से बोल करके हम लोग ऐसा देते हैं। ठीक है, आपको मामूली चॉकलेट वाला होना या फिर वो फुल ब्लैक वाला, तो लोग वो कस्टमर खुद चॉइस करता है, ये नॉर्मल चॉकलेट का ही हमें चलेगा। तो चॉकलेट हम लोग नॉर्मल बना करके देते हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं देते, कस्टमर से पूछ लिया जाता है। इसका कम रेट रहता है, अगर फुल चॉकलेट है तो उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए। तो चलिए इसका फिर लेयर डालते हैं। ठीक है, ये चॉकलेट सिरप है और ये शुगर सिरप है, ठीक है, वाइट जो है उसमें मिल्क में ऐड करके बनाया हूँ इसको, इसलिए वाइट दिख रहा है ये। और ये भी स्पंज आपको कैसे कैसे बनाते हैं अगर देखना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हो तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट रहा तो मैं कोशिश करूँगा इसका भी स्पंज, ये वाला हम कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो लेयर हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो अब इसका देखते हैं। इसका जो भी है आँख कान नाक जो भी, इसका हम बना के रख देते हैं पहले, वो इसलिए क्योंकि अगर आप भी फंड का काम करते हैं तो थोड़े टाइम पहले बना करके रख दीजिए, सेट हो जाएगा। तो पहले हम बना लेते हैं, उसको लेयर डाल के हम फ्रिज में रख दिए, ठीक है। अब इसका कान बना रहे हैं ये हम, और जो कि सेट करेंगे आगे केक में, ठीक है। तो वीडियो आप देखें पूरा लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। और फंडेंट का अगर कुछ केक्स या फिर कुछ काम रहता था आप पहले से बना करके रख दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा सेट हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे केक पे डालते टाइम पे अच्छा रहेगा। छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा ही। ये हो गया, अब इसका आँख बनाना पड़ेगा, जो कि ब्लैक फोंडेंट बेला हूँ, ठीक है, नोजल से कट कर रहा हूँ राउंड। और सेम इसमें फिर एक वाइट कट करके डालना पड़ेगा ऊपर से। छोटा सा हो गया, और फिर उससे भी एक छोटा सा। ये देखिए हो गया, इसका इतना ही था और कुछ नहीं। तो चलिए अब केक बनाते हैं, और ये लाइट पिंक में है ये जो केक बना रहा हूँ, लेकिन इसमें भी है तो पूरा आइसिंग है ना, सिर्फ इसका फेस पिंक कलर करना था तो पूरा केक को ही पिंक करना पड़ा। और ऊपर से तो नोजल का डिज़ाइन है इसमें, तो कौन सा डिज़ाइन है वो भी आपको आगे पता चलेगा, और कौन सा नोजल यूज़ करना पड़ेगा इसमें और क्या कैसे है वो भी। तो पहले आइसिंग कर देते हैं एक साइड से, उतना ज़रूरत नहीं है इसमें भी फिनिशिंग देना, ठीक है, अगर आप सेम केक ऐसा कुछ बनाते हो तो, क्योंकि पूरा तो नोजल से कवर हो ही जाएगा, खाली सामने का जो हम फेस बनाएंगे वहाँ पे अच्छा से फिनिशिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं पूरा पूरा ही फिनिशिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आदत से मजबूर, केक जब तक फिनिशिंग होता नहीं हम लोग छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी थोड़ा टाइम तक वेट कीजिए जब तक हम फिनिशिंग करते हैं केक को, और देखिए कैसे फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, आपको भी सीखने को मिलेगा, इसलिए हम काटते छाटते नहीं हैं, जो भी है डायरेक्ट पूरा रहने देते हैं कैसे क्या करना है। ये स्कैबर जो फोटो केक बनाते हैं उसके नीचे आता है हम लोग का, मिलता है उसी से काट के हम बनाएं, ठीक है, और इसी से हम लोग का मेन सबसे ज़्यादा केक फिनिशिंग होता है। तो अगर आपके पास भी है तो यूज़ कीजिए ये सीट, और नहीं तो फिर आप वो जो एक्सरे वाला रहता है ना, आप उससे भी बना सकते हो। तो चलिए हो गया केक पूरा फिनिशिंग, अब बेस इसका हम फिनिश कर लेते हैं, उससे केक भी देखने में अच्छा लगेगा, प्लस नाम लिखना पड़ेगा बेस पे तो वो भी आ जाता है, क्योंकि जो केक हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें लिखने से केक भी ख़राब दिखता है, और बेस पे लिख देने से केक भी और अच्छा दिखता है। तो ये हो गया बेस भी फिनिशिंग, ठीक है, अब चलिए इसका नोजल का जो डिज़ाइन है वो पूरा कर लेते हैं। और इसमें ये 1 mm नोजल यूज़ किया हूँ, ठीक है, लेकिन लाइट येलो कलर क्रीम का, येलो कलर में है, तो नोजल इसमें पूरा सटीक नहीं मारना है, ठीक है, बीच बीच में गैप छोड़ना है, क्योंकि वो आपको हम आगे बताएंगे क्या करना है उसके बीच में, ठीक है। पूरा जैसे ऐसा ही नहीं है कि पूरा कवर कर दीजिए, बीच बीच में खाली छोड़ दीजिए, जहाँ तहाँ उसमें कुछ कुछ भरना पड़ेगा, क्या भरते हैं वो देखिए आगे लास्ट में। तो ये पूरा केक ऐसे ही सजा लेना पड़ेगा क्रीम से ही, ठीक है, पूरा इसमें ज़्यादा क्रीम हो जाएगा लेकिन,
बस देखिए, जो बीच बीच में गैप था ना, बस ऐसे ही डॉट डॉट मार देना, तो क्या उसमें एक अलग डिज़ाइन दिखेगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट अगर हम ऐसे ही नोजल करते हैं रिंग वाला तो वो अलग दिखता है, लेकिन अगर ऐसे कर रहा हूँ तो एक अलग सा दिखेगा। देख लीजिए, राउंड भी और नोजल का भी डिज़ाइन। तो इसका आँख वगैरह जो भी, इसका फेस बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से पूरा कवर करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ बच रहा है वो फिर से पूरा क्रीम इसमें डालना पड़ेगा। और एक चीज़, मैं चॉकलेट इसमें चिपका ली हूँ पीछे, ठीक है, इसमें आप देखे थे अभी, क्योंकि उससे होगा क्या, स्लिप नहीं होगा मेरा, वैसे ही रुका रहेगा। हाँ, चॉकलेट नहीं रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, फंडेंट क्रीम पे नहीं रुकता है। तो ये देख लीजिए, फेस इसका बन चुका है। अब इसका कान हम लगाएंगे ऊपर का, जो कि इसका झुका हुआ कान है, खड़ा नहीं है, सबका खड़ा रहता है। ये तो टूथपिक लगा करके इसको सेट कर दे रहे हैं, ताकि ये भी नीचे ना आए, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, जो बच रहा है उसमें नोजल से पूरा कवर कर देते हैं ऊपर में, लेकिन वाइट वाइट भरना पड़ेगा, और बाकी का पूरा नोजल से ही ढकना है इसको। क्रीम का ही पूरा केक था। तो ये देख सकते हैं, हो गया। अब ऊपर में वो नॉर्मल ऐसे ही बटर पेपर कट करके उसमें डालना पड़ेगा, नोजल का काम ख़त्म। देख लीजिए, ऐसे ही डॉट डॉट पूरा लगा देना है, ठीक है, ऊपर में। लेकिन क्रीम में थोड़ा जेल डाल के यूज़ कीजिएगा, अगर ऐसा कभी डॉट डॉट करना पड़े तो होगा क्या, उससे क्रीम आपको पूरा फिनिशिंग आएगा, दाना दाना फटेगा नहीं। इसमें कोई लाइनिंग नहीं देखना आपको, जैसे तैसे भर दीजिए पूरा, बस ढकना है वहाँ पे, ऊंचा करना है। तो देखिए, हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसका ऊपर एक फ्लावर कटिंग किए थे, वो भी इसमें डालना है, ठीक है। बस लास्ट यही वाइट क्रीम है, वो इसका साइड से छोटा छोटा, बीच में बड़ा, देखने में ये भी एक अलग सा डिज़ाइन बन गया, देख लीजिए। तो ये हो गया केक पूरा कंप्लीट, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।